चेहरा देख करके कार्रवाई मत करिए, अपराधी को अपराधी के अनुसार ट्रीट करिए। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस ने पिछले 2.5 सालों में अपराधियों को उनके असली ठिकानों पर पहुंचाने का काबिले तारीफ का काम किया है। यूपी पुलिस ने बहुतों को जहां अस्पताल के रास्तों से सलाखों के पीछे पहुंचाया, तो कईयों का राम नाम सत्य भी कर दिया। जी हां, ये हम नहीं कह रहे बल्कि योगी सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े खुद ब खुद चीख चीख कर बयां कर रहे हैं कि सूबे में जब तक योगी की सरकार है, कम से कम तब तक तो बदमाशों की बदमाशी यहां नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद सीएम योगी ने खुद कहा था, या तो अपराधियों को प्रदेश छोड़ना होगा या फिर अपराध छोड़ना होगा। और 2.5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने ये सब कर दिखाया है। बहुत सारे अपराधियों को अस्पतालों तक पहुंचाया गया है और बहुत सारे अपराधियों को दुनिया से ही रुखसत कर दिया गया है। योगी सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 2.5 सालों के योगी सरकार के कार्यकाल में पुलिस और अपराधियों के बीच 4,458 मुठभेड़ हुई, जिनमें 9,833 अपराधी गिरफ्तार हुए। इतना ही नहीं, 1,484 बदमाश घायल भी हुए, जबकि 94 बदमाश ढेर कर दिए गए। सीएम योगी के आदेश पर प्रदेश में भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई लगभग 1,94,48,00,000 रुपए की अवैध संपत्ति को भी जब्त किया गया। योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से साल 2018 में डकैती, बलात्कार, हत्या, अपहरण और लूट जैसे अपराधों में बहुत बड़ी कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक डकैती में जहां 42.63% कमी आई, वहीं बलात्कार में 7.63% कमी आई, वहीं हत्या के मामलों में 7.08% की कमी आई है। लूट के मामलों की बात करें तो इनमें 22.1% और फिरौती अपहरण में 30.43% की कमी आई है। 2.5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार की पुलिस ने जिस तरह से धड़ाधड़ एनकाउंटर किए, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और इसके लिए सरकार ने आंकड़े जारी करके ये बताया भी है कि वो अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है।